नाली का पानी पीने को मजबूर लो। जिले में सिकंदराऊ और सादाबाद विधानसभा के करीब 3 दर्जन गांव खारे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि जल निगम ने पाइपलाइन योजना के तहत कई गांवों में पाइपलाइन बिछवाकर ग्रामीणों को पीने के लिए पानी मुहैया कराने का प्रयास किया है, लेकिन पाइपलाइन डालने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर पलटकर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी, जिसका खामियाजा यहां कस्बा बिसावर के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। यहां ग्रामीण इन पाइपलाइनों के जरिए नाली का गंदा पानी पीने को मजबूर है। यह पाइपलाइन नाली के सहारे होकर डाली गई है, जिनमें रिसाव के कारण नाली का गंदा पानी इन पाइपों में होकर ग्रामीणों के घर तक पहुँच रहा है। ये मामला कुछ नहीं है, जल की लापरवाही का खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक्चुअली पानी की टंकियाँ लगी है, तब से पानी के कनेक्शन खोल दिए गए हैं, लेकिन किसी में कटौती नहीं है। और साथ जल निगम ने सारी जो सड़कें हैं, गलियां हैं, सारी खोद के डाल दी हैं। और बीच बीच बहुत गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है ग्राम पंचायत, कई बार उच्चाधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन फिलहाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तीनों टंकियों की लाइनें बहुत खराब दर्जे की डली हुई है, पाइपें बहुत निम्न स्तर के डले हुए हैं, और इसमें एक नगड़ा ढोकला की टंकी है, उसका तो पानी करीब करीब 3 महीने से बंद है टंकी, वहाँ कोई शासन का मतलब आदमी भी नहीं है। और बिसावर की स्थिति टंकी की बहुत बेहद खराब है, लीकेज काफी है, लीकेज कोई रोकने नहीं, कई बार कंप्लेंट की है, लीकेज कोई रोकने नहीं आता। आम जनता को बहुत ही परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, इसके लिए कई बार उच्चाधिकारी को अवगत करा दिया और फिर भी कराएंगे।